हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईबीपीएस पीयू मेगा प्रिपरेशन कोर्स के बारे में, कैसे हम अगले 8 महीनों में कैसे हम आईबीपीएस पीयू की जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम प्रीलिम्स से लेके इवन मेंस तक जाएंगे। पूरा मैं प्लान आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने पूरा एक शेड्यूल बनाया है। तो बहुत सारे आप स्टूडेंट्स के मुझे मेल्स आए, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि सर पहले पजल्स करा दीजिए, पहले आरसी करा दीजिए, पहले वकैप करा दीजिए। ऐसे नहीं होगा। पहली बात, मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ। जैसे कि आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा कि मैं अभी तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और जो कैलकुलेशन को सिंपली तरीके से कैसे करना है। मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है अभी तक और ना ही मैं ज़्यादा ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सिंपल तरीके से करें तैयारी, जितना सिंपल हो सकता है उतना करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को ना करें। आप अगर 100 ट्रिक्स याद कर लेंगे एग्जाम में यूज नहीं कर पाएंगे उन ट्रिक्स को, तो इसलिए जितना सिंपल हो सकता है आज उतना रखेंगे। चलिए शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड ये राइट में जो फोटो है ये मेरी है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे नीचे नहीं दबाया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और बेल आइकन मिला हुआ है हमें तो प्लीज बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको फ्यूचर में हमारी सारी वीडियोस मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरा बेसिकली प्लान क्या है। तो अभी एक जो मैंने पूरा एक कोर्स बना रहा हूँ, कोर्स बना चुका हूँ वैसे ऑलमोस्ट काफी। तो अभी क्या है कि डेली पिछले 4 दिन से आपको डेली वीडियोस मिल रही हैं जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। यूट्यूब की कुछ एक लिमिटेशंस हैं, यहाँ पे क्विजेज नहीं डाले जा सकते, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट नहीं डाल सकते, यहाँ पे आप एंड्रॉयड का जैसे एक पूरा आपको कॉन्टेंट, दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेंट नहीं है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वीडियो का। मैं आप सब लोगों से फेस टू फेस बात कर पा रहा हूँ, आप फेस टू फेस नहीं कह लीजिए, आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और बहुत आसानी से मैं अपना जो कंटेंट है वो मैं आप तक लेकर जा रहा हूँ। तो डेली जो आपको वीडियोस हैं वो आपको डेली मिलेंगी अगले, मैं कहता हूँ 8 वीक्स तक, जब तक ये आईबीपीएस पीयू का कोर्स पूरा नहीं होता। तो डेली अपडेट जो है हमारी जीके डाइजेस्ट की एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं अभी एक पॉइंट बताता हूँ, अगर आप ये जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन कर इंस्टॉल करते हैं और अगले 3 महीने तक इसे फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीके के लिए। जीके सेक्शन आपका जीके डाइजेस्ट एप्लीकेशन पढ़ के कवर हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और दिन के 5 से 10 मिनट इस एप्लीकेशन को दें एंड आपका जीके सेक्शन कवर है, ख़त्म। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कैप्सूल नहीं, इसी में आपको कैप्सूल मिलेंगे, इसी में आपको क्विजेस मिलेंगे, सब कुछ इसी में मिलेगा। इवन इसमें जीके, क्वांट, रीजनिंग, सारे क्विज, सारे वर्कबुक, सब कुछ जो भी हमारा मटेरियल अपडेट होता है हम इसमें डालते हैं। तो स्टडी मटेरियल इस प्लान में जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, जैसे अगर हम नंबर सीरीज करेंगे या क्वांट करेंगे या रीजनिंग का कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस चाहिए, जैसे कि एसबीआई पीयू मेंस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं तो हम हर एक, जैसे पजल्स का अगर शुरू कर रहे हैं तो पहले पजल्स के 20 क्वेश्चन मैं इजी दूंगा, फिर उसके बाद थोड़े मॉडरेट लेवल के, फिर बिल्कुल टफ लेवल के, धीरे धीरे आ करके आगे चलेंगे, एकदम से टफ लेवल पे नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि एकदम से ये क्या हो गया। बिल्कुल बेस बना के हम आगे चल रहे हैं। अगर आपने आज स्टार्ट किया है या 1-2 दिन पहले स्टार्ट किया है तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं कुछ इतना तेज नहीं चल रहा, फिर भी 2.5 से 3 महीने का पूरा एक लॉन्ग टर्म करके चल रहे हैं। ये पूरा कोर्स एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, ये कोई हफ्ते का या 10 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है। ये मत समझिए कि मैंने आज पढ़ाया और मैं कल नहीं आऊंगा या परसों नहीं आऊंगा, अगले 3 महीने हम यहीं पर रहें। पूरा एक प्रॉपर तरीके से वीडियो सीरीज है, स्टडी मटेरियल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है बैंक एग्जाम्स टुडे के द्वारा ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको कहीं भी ये नई नई जो कंपनीज आती हैं बहुत महंगे महंगे अपने टेस्ट सीरीज ये वो निकालते हैं, वहां जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको जितने टेस्ट सीरीज टेस्ट चाहिए होंगे, हमारे खुद के बनाए हुए टेस्ट जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स बनाते हैं, ये जो नई नई कंपनीज आती हैं ये पेपर बनाते हैं, कहीं से भी ऐसे मुंह उठा के पेपर बना देते हैं, टीचर्स पेपर नहीं बनाते हैं। हम लोग टीचर्स हैं, हम 4 टीचर्स बैठे हैं, बहुत छोटी हमारी टीम है, लेकिन हम डेडिकेटेड तरीके से आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट भी देंगे और डेली क्विजेज आपको मिलेंगे। जो जो हमने यहाँ पे गाइडेंस वीडियो हम करेंगे, जो जो डेली अपडेट मिलेगा उस सब का एक टेस्ट होगा डेली,
जो भी करेंगे उसका आपको एक टेस्ट मिलेगा, एंड उस टेस्ट का आपको क्या कहते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, आपके कंपिटिटर्स के साथ एक कंपैरिजन भी मिलेगा आपको। और बाकी आपको जो भी चाहिए IBPS PO एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आप जो भी चाहिए आपको सब इसी प्लान के अंदर मिलेगा। आपको कोई भी और बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2 महीने बाद अगर मुझे लगा कि आपको कुछ और, जैसे मैं पहले भी बुक्स रेकमेंड करता हूँ, सर्वेश कुमार वर्मा या एक और एक आध बुक और है, लेकिन ये 2 महीने या ये पूरा 8 वीक का जो हमारा प्लान है, ये इसके बाद 3 महीने के बाद हमारा पूरा 8 वीक्स का प्लान है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि सर मैं इस लेवल पे आगे जाना चाहता हूँ, ये मेरा हो गया है, तो मैं आपको बुक्स और रिकमेंड करूंगा। लेकिन ये 56 डेज का प्लान है, इसको हमने फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीक 1। वीक 1 जो ऑलरेडी चल रहा है, इस पे मैं बेसिक थोड़े थोड़े आपको बता चुका हूँ कि एग्जाम क्या है, कैसे है, क्या करना है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कैलकुलेशन स्पीड मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कुछ भी आपको टेक्निक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एस्टीमेशन यूज करना है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी एस्टीमेशन से बनेगी। आपको कुछ नया ट्रिक या वैदिक मैथ्स आपको यूज नहीं करना है। वैदिक मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं कर पाएंगे 2 महीने में 3 महीने में। वैदिक मैथ्स एक तरह का साइंस है जिसको करने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए, उसको उसमें मास्टर करने के लिए। वो एक आर्ट है, स्किल है वो एक। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं ये मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। मैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। इनमें दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, ये आपके ऊपर है। कुछ लोगों को ऑफलाइन पसंद है, कुछ लोगों को ऑनलाइन पसंद है, लेकिन पढ़िए जरूर। वैसे ऑफलाइन जो पेपर आता है वो भी चलो दोनों ही सही होते हैं, आपकी विश है। तो टेक्निक्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ये जो टेक्निक्स हैं बीच बीच में एग्जाम करने की टेक्निक, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक, मतलब कैलकुलेशन वगैरह की टेक्निक नहीं बताऊंगा। हर एक चैप्टर को सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, जैसे टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शंस टेक्निक यूज होता है, इनइक्वालिटीज को यूज करने के लिए भी टेक्निक होता है। तो कई बार लास्ट में अगर आपके पास 2-3 मिनट बचे हैं और इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि 95% आपका क्वेश्चन सही होगा और आप बिना पेन यूज किया बता देंगे कि क्वेश्चन आपका आंसर सही है अभी कि नहीं। तो ऐसी ऐसी मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। कैलकुलेशन ट्रिक नहीं मैं शेयर करूंगा कोई भी, यहाँ पे जो टॉपर्स करते हैं एस्टिमेशन टेक्निक और टेक्निक ऐसी जो आप कह लीजिए कि जिसमें कई बार 90% एक्यूरेसी भी आ जाती है, बट थोड़ा सा एरर होने का चांस रहता है। तो ये था वीक 1। और वीक 2 और 3 में बहुत धीरे चल रहा हूं मैं, बहुत धीरे, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एग्जाम में आता है तो बहुत इजी आता है। इस बार NICL AO में जो 5 क्वेश्चन इसके आए थे वो बेहद आसान क्वेश्चन थे। पूरे पेपर के सबसे आसान क्वेश्चन जो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए थे, सबसे आसान क्वेश्चन जो थे। उसके बाद नंबर सीरीज पे मैं आऊंगा। नंबर सीरीज पे वैसे मैं एक दो वीडियोस बना चुका हूं लेकिन हिंदी में नहीं बनाई है, तो पूरा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, उनसे नहीं हो पाता है। तो मैं एक एक करके 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं सभी तरह के आपको बताऊंगा। जस्ट मैं क्वेश्चन देके आंसर नहीं बताऊंगा, आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक का तो बहुत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब चैप्टर्स हैं। बेसिकली एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए एक पूरा वीक मैं पूरा अरिथमेटिक पे लगाऊंगा। एक वीक या कम 8-9 दिन भी लग सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, एलिगेशंस, ये सब चैप्टर अरिथमेटिक में आते हैं और इसको एक वीक लगा के ये कवर करेंगे हम। चलो चौथे वीक की बात करते हैं। चौथे वीक में वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे सर डेटा इंटरप्रिटेशन आप 2-3 दिन में करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा 2-3 दिन में। डेटा इंटरप्रिटेशन को पार्ट्स में करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन आप कह लीजिए 4 से 5 दिन, जो आप कह लीजिए आप बिगिनर से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के मैं कवर करूंगा पढ़ाने के लिए। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो डिफिकल्ट लेवल के भी लेकर आऊंगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन 4-5 दिन में हम करेंगे। 4-5 टाइप के क्वेश्चन, एक दिन पाई चार्ट वाले कर लेंगे, एक दिन बार ग्राफ्स वाले कर लेंगे, एक दिन मिसिंग टेबल में से जो मिसिंग फिगर्स होते हैं वो कर लेंगे। तो ऐसे करके डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक दिन में जो है डेटा सफिशिएंसी कर लेंगे। और जो इंग्लिश ग्रामर है वो मेरे साथ के टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। इसका पूरा इंग्लिश ग्रामर का PDF भी सारा कुछ आपको मिलेगा।
इसका बेसिकली इंग्लिश ग्रामर आप कह लीजिए 8 से 10 दिन आपको लगेंगे, इसलिए चौथे वीक में ही नहीं चलेगा, ये साथ में चलेगा, कंकरेंटली चलेगा। जब डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास होगी साथ में इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास चलेगी, और इंग्लिश ग्रामर आप देख लीजिए चौथे वीक में भी और पांचवें दिन में भी, पांचवें वीक में भी है। और पांचवा वीक मैं इनहाउ कह लीजिए, आप लोग मुझे मिस करेंगे क्योंकि पांचवें वीक में मेरी ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि पांचवा वीक बेसिकली इंग्लिश के लिए मैंने रखा है ताकि मैं छठे वीक की तैयारी कर पाऊँ, मॉक टेस्ट वगैरह की मैं अपने लेवल पे तैयारी कर पाऊँ। यहाँ पे हम पूरा आरसी कवर करेंगे, एक एक कह लीजिए आपको आरसी पकड़ पकड़ के, आरसी को कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, थीम्स के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं आरसी में, ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। और उसके बाद पैरा जंबल्स आ जाते हैं, ये आपको बताएंगे, जो नए टाइप के पैरा जंबल के क्वेश्चंस आए हैं ये बताऊंगा, और इंग्लिश ग्रामर विद एरर स्पॉटिंग ये सारा मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। वैसे ये जो पूरा कोर्स है जो मैंने आपको पूरा बताया है, ये मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल, इसमें से आपको ये गाइडेंस, ये बिल्कुल आपको डेली जो अब यूट्यूब पे वीडियो है ये फ्री मिलेगी, ऑब्वियसली डेली अपडेट्स ऑन जीके डाइजेस्ट ये भी फ्री मिलेंगे, जबकि ये आप चीज़ें आपको थोड़ी सी पेड मिलेंगी, ये चीज़ें पेड हैं, और इनका जो लिंक टू परचेज है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने फ्री बोला था या क्या बोला था, मॉक टेस्ट फ्री दे पाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आई एम नॉट अ फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो इवन अगर हम नॉन प्रॉफिट भी देखें तो वी नीड टू कवर इट अप, मॉक टेस्ट या स्टडी मटेरियल या ये सब के लिए वी यू हैव टू पे। बाकी गाइडेंस के लिए या डेली अपडेट्स, ये पूरा जो वीडियो सेशन है वीडियोज फ्री में रहेंगी, हाँ सारी की सारी वीडियोज मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। बात कर रहे थे छठे वीक की, छठे वीक में पूरा हम पजल का वीक चलाएंगे, हर टाइप की मैं एक एक लेक्चर में मान लीजिए तीन तीन चार चार पजल करवाएंगे, एक एक घंटे का पजल का पूरा वीडियो लेक्चर होगा, 7 दिन 7 वीडियोस बनेंगी इसमें, एक में कह लीजिए एक दिन हम पूरा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए 2 लेक्चर्स होंगे, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एक ये वाले जो होते हैं स्क्वायर सेटिंग रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट, ये सारे होंगे, पहले दिन ये होगा दूसरे दिन ये होगा। पजल्स में ब्लड रिलेशन वाली पजल्स आएंगी या सिंपल पजल्स आएंगी, टाइम बेस्ड पजल्स आएंगी, एज प्रॉब्लम बेस्ड, ये सारी पजल्स जो हैं मैं कोशिश करूंगा फ्लोर बेस्ड सारी तरह की पजल मैं कवर करूँ 7 दिन में। तो छठे वीक में नहीं चलेगा, ये मॉडरेट लेवल तक चलेगा, इजी टू मॉडरेट, जो हार्ड लेवल है इसको हम बाद में जब हम मॉक टेस्ट पे आएंगे तब करेंगे। तो 7वें वीक में रीजनिंग की जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये कर एक एक करके हम करेंगे। इसका साथ साथ में क्विज भी आएगा और प्लस वीडियो भी आएगी, वीडियो लेक्चर आएगा, प्लस आप कह लीजिए कि डिस्कशन वगैरह तो चलता ही रहेगा, प्लस आपको एक वर्कबुक, आपको प्रॉपर एक पीडीएफ गाइड मैं आपको प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा इन सबकी। चलो 8वें वीक में दोबारा से पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे हम हार्ड वाला करेंगे, डिफिकल्ट हार्ड लेवल की पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, जो डिफिकल्ट लेवल की अच्छे लेवल की हम पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हम करने वाले हैं। पहले जो 6वें वीक में थे हम इजी और मॉडरेट लेवल का कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम हार्ड लेवल का करेंगे। चलिए 9वां वीक आ जाता है, यहाँ पे साइलॉग, एक दिन साइलॉग, एक दिन फिर अपना चलेगा कोडिंग डिकोडिंग, एक दिन मशीन इनपुट आउटपुट। आप ये चीज ध्यान दीजिए, मैं NICL का जो मैंने एग्जाम देखा था ये कोडिंग डिकोडिंग सबसे सिंपल था, अगर ये पेपर में आ जाता है तो ये आपकी लॉटरी लग गई, ये इजीएस्ट सब, कोडिंग डिकोडिंग इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये अगर आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कह लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, एरर स्पॉटिंग होगी इंग्लिश में, ये सब आपकी कह लीजिए की टू सक्सेस है। अगर आप ये मेरा क्लासेस को सेशंस को फॉलो करेंगे, आप जस्ट वीडियोस ही देख लेंगे तब भी आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हमें समझ आ चुका है कि क्या क्या एग्जाम में आता है और क्या क्या सिंपल आता है, आपने सिंपल वाले जो क्वेश्चंस है वो आपने पकड़ने हैं, राइट। तो यहाँ पे बात कीजिए मशीन इनपुट आउट की, मैं बात कर रहा हूँ, इसको एक दिन में करेंगे, एक दिन में साइलॉग, तो ये साइलॉग है एक दिन, ये भी चलेगा, राइट। तो साइलॉग है एक दिन, ये भी चलेगा, राइट। तो ये वीक 9 हो गया, तो थोड़ा सा मैं रैप अप कर दूंगा आपको अभी कि क्या क्या पूरा पूरा जो प्लान था, गाइडेंस प्लस अपडेट्स।
ये तो आपको मिलने वाले हैं राइट। ये तो डेली गाइडेंस, जो गाइडेंस वीडियो में डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, जैसी वीडियो आप अभी देख रहे हैं पूरे पूरे प्लान्स की, और ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनकी वीडियोस का पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। प्लस सारी की सारी अपडेट्स हैं ये आपको यूट्यूब, ये सारी हमारी जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, ये आप इंस्टॉल करें। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट या डेली क्विजेस हैं, दीज आर पेड। इसका जो परचेज करने का लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ। उसके बाद पूरा आपको ये जो वीक बाय वीक मैंने आपको पूरा प्लान बताया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं सर पजल पहले करा दीजिए, एरर स्पॉटिंग पहले पहले करा दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मेल किया है, मैं अभी क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ कि सर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सबसे पहला ये था मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो आपको यही मेरा एक सजेशन है कि आपने अपनी तैयारी पूरी नहीं करी है, आप अपनी तैयारी पूरी करें। एक एक करके मैं चैप्टर करवा रहा हूँ, एक एक करके करें, एक दिन में चार चार चैप्टर्स नहीं करें, आप सुपरमैन या सुपर वूमन नहीं हैं, धीरे धीरे करके करें। हम लोगों ने भी जब तैयारी करी थी, मुझे अभी तक याद है, चलिए हम मैं तो 2007 से पजल सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन 2009 या 10 में मैंने कैट का तैयारी तब करा था, ये सेम सा सिलेबस होता था, तो इट टुक अस लाइक 2.5 मंथ्स। एंड ट्रस्ट मी, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था पेपर से पहले, पेपर से एक हफ्ता पहले तक मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। पेपर देने से पहले मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए थे, इधर उधर से प्रिंट निकलवा के, इधर उधर से किसी ने, तब पेपर फॉर्मेट में होते थे, किसी ने डोनेट कर दिए या फ्री में उठा के ले आए, तो हमने उससे मैंने थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे मेरे में इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर मैं डे वन से अपने वो पेपर उठा लेता तो मेरे में 1% की इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अगर मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस मेथड के बारे में मुझे पता नहीं होगा, मुझे यही नहीं पता होगा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर मुझे टाइम एंड वर्क के बेसिक फार्मूलाज नहीं पता, मुझे ये अरिथमेटिक नहीं आता, मुझे एरर स्पॉटिंग नहीं आता, तो कैसे नहीं हो पाया। मेरी गलती क्या रही मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन करा तो मेरी गलती क्या रही, मैंने ज्यादा टाइम अरिथमेटिक में निकाल दिया, मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन में टाइम नहीं निकाला था, सबसे बड़ी गलती, और मैंने इंग्लिश की तैयारी ढंग से नहीं करी थी, ये मेरी गलती थी। मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप रिपीट करें। आप भी स्टार्ट करेंगे तो क्यूटी में अगर अरिथमेटिक में अपना सारा टाइम निकाल देंगे तो पेपर में पास नहीं होंगे। अगर आप क्यूटी ही पढ़ते जाएंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। जब प्री की तैयारी करनी है, साथ में जीके पढ़ना है, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना है, और सारा टाइम क्यूटी में नहीं खराब करना आपने। ठीक है क्यूटी पढ़िए, लेकिन अपने टाइम का सिर्फ 30-35% आपने क्यूटी पढ़ना है, कम से कम 20-25% कम से कम आप इंग्लिश को दीजिए। न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, एरर स्पॉटिंग, ये क्या कहते हैं, पैरा जंबल्स, एरर करेक्शंस, ये सब आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको सही तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ। चाहे अगर आप मेरी ये वीडियोस नहीं भी फॉलो कर पाते तो ये पूरा वीक बाय वीक ये जो शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है इसको फॉलो कीजिए। आपको देखिए इसमें week 1, week 2, week 3, week 4 पूरे 8 वीक्स तक जैसे जा रहा है, पूरा एक एक चैप्टर इसमें कवर किया हुआ है, कुछ भी मिस नहीं किया। एक दो चैप्टर अगर हमारे रह भी गए हैं तो इसको हम week 9 में कवर कर लेंगे। अगर कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे कवर नहीं हो पाए तो रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वो रिमेनिंग वो हमारे week 9 में कवर होंगे या week 10, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं हो रही है। week 9 और week 10 में रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं वो सारे week 10 में हम कवर करेंगे, और week 11 क्योंकि बहुत सारा टाइम पड़ा है हमारे पास, क्योंकि ये तो हम बनाते रहेंगे जो रिमेनिंग, ये मैं लिखने वाला था बीच में ही छोड़ दिया, ये रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं ये week 10 में करने हैं हमने। और जो week 11 है इस टाइम पे मैं सेक्शनल टेस्ट लेकर आऊंगा, सेक्शनल टेस्ट, क्यूटी का टेस्ट आएगा, इंग्लिश का टेस्ट आएगा, रीजनिंग का टेस्ट आएगा, एक एक टेस्ट का मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है, कैसे कैसे इंप्रूव करना है। फिर week 12 आता है तब हम करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक ये आएगा, मॉक आपका week 12-13, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तैयारी करना, एक हफ्ता दो हफ्ता चार हफ्ते में तैयारी नहीं होती है। अगर आप रेगुलरली फेल होते हैं तो उसका रीजन यही है, आपने बहुत कुछ इसमें मिस किया है, आपने बहुत तेजी से तैयारी करी है।
तेजी से बोल, मतलब कि आपने मॉक टेस्ट पे ज्यादा टाइम दिया, आपने क्विजेस पे ज्यादा टाइम दिया है। क्विजेस और मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप अपना इवेल्युएट कर पाए, आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसे इवेल्युएट करें। इवेल्युएशन कैसे करेंगे? इवेल्युएट आप तभी कर पाएंगे जगर अगर आपने कुछ पढ़ा होगा। आपने पढ़ा कुछ है नहीं, इवेल्युएट कैसे होगा? तो इवेल्युएट तभी हो पाएगा जब आप अपना बेसिक्स फंडा जो है, अपने जो कॉन्सेप्ट जो है, जब आप ये अपना क्लियर करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाएंगे। तो उसके बाद अपना जो एक डेली टेस्ट दीजिए एक एक करके, जब आपका सारा खत्म हो जाएगा, 9 वीक जब आपके खत्म हो जाएंगे, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद साथ में जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ वो आप पढ़ेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, 9 वीक्स में आपको दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे भी आप पढ़ लें, 3 to 4 hours अ डे, तो भी आपके लिए सफिशियंट है। 9 वीक्स 3 to 4 hours अ डे, और आपका IBPS PO मैं 100% गारंटी लेता हूँ। जो स्टूडेंट इस कोर्स को, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, जो स्टूडेंट इस कोर्स को आप कह लीजिए कि 4 घंटे दे रहा है दिन में, तो IBPS PO प्री में वो 55 प्लस मार्क लेगा, 55 की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आप गलती कर रहे हैं मॉक बार बार देके, मॉक टेस्ट में आप 30-35 नंबर बार बार ला रहे हैं, कभी 30 आ रहे हैं, कभी 35 आ रहे हैं, कभी 25 आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ रखे हैं। आपने बोला कि ये प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत सिंपल है, मैं क्यों करूं ये? आप 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चैप्टर आता है। अगर आप एक क्वेश्चन को 1-2 मिनट में करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको चैप्टर आता है। तो इस प्लान को बिल्कुल फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये वीडियो देखी है और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं मुझे। तो सारे जो लिंक्स हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड GK डाइजेस्ट जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये GK के लिए जरूर इंस्टॉल करें, बहुत जरूरी है। आप दिन में सिर्फ 5 मिनट अगर GK पढ़ते हैं, ये आपके लिए सफिशियंट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप अभी GK नहीं पढ़ेंगे अगले 4 महीने में, तो आपसे GK कवर नहीं हो पाएगी 10-12 दिनों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो कल आपको बताता हूँ कल हमारा टॉपिक क्या है। कल हम नंबर सीरीज और नंबर सीरीज से शुरू करेंगे। चलिए नंबर सीरीज से कल शुरू करूंगा, आपको नंबर सीरीज की मैं टेक्निक्स बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।